नेहरू भी जो ना कर सकी, इंदिरा के कदम भी जहां पर जाने में डगमगा गई, वहां मोदी शाह कैसे पहुंचे? किस्सा उन 8 राज्यों के विकास का, जहां 10 साल में 70 बार गए मोदी, शाह ने स्थापित की शांति। डोभाल या शाह के सचिव, हर बड़े अधिकारी ने बनाया ऐसा प्लान, करोड़ों लोगों की बदले किस्मत। यह नक्शा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हिंदुस्तान के उस हिस्से की है जहां जाने में मंत्री और नेता तो छोड़िए, अधिकारी भी सोचते थे, मीडिया ने तो कभी इनका दर्द दिखाया ही नहीं। यूपी से लेकर बिहार और दिल्ली से लेकर बंगाल तक मीडिया वाले नाचते रहे, पर पूर्वोत्तर जाने की हिम्मत तभी जुटाती जब कुछ बड़ा होता। इन राज्यों के लिए दिल्ली में योजनाएं बनती थी, पर वहां गरीबों तक पहुंचती ही नहीं थी। 10 साल पहले तक इन राज्यों में कई ऐसे गांव थे जहां मूलभूत सुविधाएं कभी नहीं थी। पूछने पर अधिकारी ये कहकर टाल देते थे कि सर ये तो दिल्ली से बहुत दूर है। और ये जवाब जब मोदी ने सुना तो उन्होंने जो किया उसका किस्सा बेहद दिलचस्प है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम की फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेबल पर जब जब पहुंचती है तो वो यही पूछते हैं कि ये इलाका विकास से इतना महरूम क्यों है। जब अधिकारी टालमटोल करते हैं तो खुद मोर्चा संभाल लेते हैं। 10 सालों के कार्यकाल 70 बार इन राज्यों का दौरा करने जाते हैं। अमित शाह के जिम्मे इन राज्यों में शांति व्यवस्था करने की होती है। वो अपने कार्यकाल में कई बड़े समझौते करवाते हैं। जनवरी 2020 में त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू समुदाय से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच में समझौता हुआ। समझौते के तहत उन्हें त्रिपुरा में ही बसाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए इन्हें हर जरूरी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलने की बात कही गई। असम के कार्बी आंगलोंग में सालों से अलग क्षेत्र की मांग उठ रही थी, जिसे लेकर शाह ने कई दौर की बातचीत के बाद समझौता करवाया। सैकड़ों लोगों ने सरेंडर किया और विकास के रास्ते खुले। केंद्र सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि अल्फा की अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले गुट के बीच शांति समझौता हुआ। ये समझौता अपने आप में ऐतिहासिक बताया जा रहा है। अल्फा की हिंसाओं में 10,000 लोग मारे गए हैं और अब इसके नेताओं ने संगठन भंग करने और मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमति जताई है। असम और मेघालय में मंगलवार को 12 में से 6 स्थानों पर अपने 5 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन करार दिया। ये वो समझौते हैं जिनकी वजह से पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों का विकास तेजी से होगा। अगर ये पहले होते तो शायद नॉर्थ ईस्ट की रफ्तार भी उतनी तेज होती जितनी बाकी राज्यों के विकास की है। पर राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के बड़े नेता, उन्हें इन बातों से ज्यादा ये कहने में मजा आता है कि चीन ने पूर्वोत्तर में हमारी जमीन कब्जा ली और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार बार बार ये कहती है कि यह सरासर झूठ है। जब आप भारत बॉर्डर तक अपनी सेना की पहुंच आसान बना रही हैं, बीते 10 सालों में इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, तो फिर ये संभव कैसे है? मोदी नहीं, देश में कोई भी प्रधानमंत्री होगा तो अपने देश की जमीन एक इंच भी नहीं जाने देगा और जाने भी नहीं देना चाहिए। पर ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के 7 राज्यों में 7 दशक के बाद विकास की बयार पहुंची है। अब हम आपको कुछ आंकड़े भी दिखाते हैं। पूर्वोत्तर के कई हिस्से पहली बार रेल सेवा से जुड़े। आजादी के 67 साल बाद मेघालय भारत के रेल नेटवर्क पर आया। नागालैंड को 100 साल बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गाई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। पूर्वोत्तर को अपनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिल गई। सिक्किम को पहला हवाई अड्डा मिल गया। उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर 17 हो गई। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में केवल एक राष्ट्रीय जलमार्ग था, अब 5 जलमार्ग चालू हैं। यानी आप समझ लीजिए कि कैसे आपके इलाके के साथ सरकारें भेदभाव करती हैं और शक्ति होती है तो कैसे एक आदेश पर आपके इलाके की तकदीर बदल जाती है। आपके इलाकों में कितना बदलाव आया या आप सरकार से क्या चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए ताकि पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह आपके इलाके की भी परेशानी दूर हो सके।